आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अनंत श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। केरला का ये टेम्पल देश के रिचेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छुपा है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये मंदिर कब बना था इसका कोई पक्का प्रूफ तो नहीं है, पर हिस्टोरियन डॉक्टर LA रवि वर्मा का मानना है कि ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से यहाँ के राजा इस मंदिर में मानते रहे हैं। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ का दास घोषित कर दिया था। तब से ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं जिसमें से 6 तहखानों के दरवाजे खोले जा चुके, जिसमें से करीब 1,32,000 करोड़ के सोने चांदी और हीरे जैसे कीमती रत्नों के आभूषण, हाथी की मूर्तियां और बंदूकें निकली। लेकिन अब तक 7वें और आखिरी दरवाजे को खोला नहीं जा सका है। माना जाता है कि इस दरवाजे को जो भी खोलने की कोशिश करता है या तो तुरंत या तो कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है।